हम स्टडी करने वाले थे किसकी, क्यूबिक इक्वेशन की ना, क्यूबिक पॉलीनोमियल की स्टडी हमें करनी थी। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल हमारे सामने थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। तो a जो है वो 0 नहीं था तभी क्यूबिक थी, ये बात तो सबको फील थी ना कल से। अच्छा, इस क्यूबिक के बारे में हमने दो बातें पढ़ी थी। पहला हमने कहा था इसके तीन रियल रूट हो, और दूसरी बात हमने आपसे कही थी इसका एक रियल रूट हो, याद आया। अच्छा, तीन रियल रूट तब होंगे जब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग क्या, टू रियल रूट, याद आया सबको। और अगर इसके दो रियल रूट अल्फा और बीटा हैं एंड एफ अल्फा और एफ बीटा दोनों अपोजिट साइड के, तब ऐसा होगा। ये तो लिखवाया था मैंने, यस ये बात सबको फील आई थी कि नहीं, बोलो। अच्छा, ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके बाद आपने जब इसका ग्राफ डिस्कस किया था तो अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा कुछ आया था, और अगर ए निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा कुछ आया था, याद आ रहा होगा सबको। तो इसका मतलब एफ डैश के जो रूट आ रहे थे उस पर जो वैल्यू आ रही थी किसकी, अल्फा और बीटा पे जो वैल्यू आ रही थी किसकी, समझ रहे हो कि नहीं, सब कुछ वो वैल्यू अपोजिट आ रही थी। याद आया सबको कि नहीं कल का डिस्कशन, ये एफ डैश एक्स के दो रियल रूट आ गए और दोनों पे जो वैल्यू आ रही थी वो अपोजिट साइन की आ रही थी। तो एफ डैश एक्स के कितने रियल रूट आ रहे थे, तीन। तो जब भी आप जरूरत पड़ेगी आप ये कंडीशन लगा देंगे। अच्छा, एक रियल रूट कब आया था, जब आपने कहा था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक से मेरा मतलब था कि एफ डैश एक्स या तो इंक्रीजिंग हो, यानी एफ डबल डैश एक्स जीरो हो, या फिर एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यही तो था मेरा मोनोटोनिक से मतलब। इसका मतलब या तो ग्राफ की सिचुएशन सॉरी कुछ ऐसी हो, या ग्राफ की सिचुएशन कुछ ऐसी हो, बोलो भाई। तो एक ही रियल रूट होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या फिर किसी में ऐसा भी था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग टू रियल रूट, बट ग्रेटर और बीटा उस पर जो वैल्यू हो वो कैसी हो इस बार, सेम। देन। अरे हाँ, है ना। इसका मतलब अब क्वेश्चन मैंने डिस्कस की थी वो या तो ये हो, आया ना, या सिचुएशन ये हो जब ए पॉजिटिव था, या सिचुएशन ये हो, दिख रहा है सबको भी नहीं, और या सिचुएशन क्या हो, ये बोलो भाई, फील आया था वाले हम लोग प्रायोरिटी नहीं लगाएंगे ना, बेटा फिर से बोलो। हाँ, सिंगल रूट वाले में जहाँ पे मोनोटोनिक लिखा है वहां पे इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर इक्वालिटी होगी तो एफ डैश एक्स का जो रूट होगा वहां पे एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा ना, कंकेविटी चेंज, भूल गए। मतलब ग्राफ ऐसा होगा ना, ये यस लाया कि नहीं, ये वाला जो रूट होगा ये एफ डैश का भी रूट होगा और एफ डबल डैश का भी रूट होगा, नहीं कनकेविटी, नहीं समझे। तो जीरो हो जाएगी तो हम उसको वैल्यू देखेंगे। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। तो जैसे जहां पे जीरो आ रहा है वहां पे हम लोग रूट पे देख रहे हैं वैल्यूज। तो नहीं समझे, जैसे एक्स माइनस वन का होल क्यूब है, क्यूबिक है, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, इसके दोनों रूट इक्वल आएंगे बट ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो अगला डेरिवेटिव आएगा वो भी जीरो होगा, तो इस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज होगी, फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहेगा मोनोटोनिकली, क्यूबिक का एक ही रूट रहेगा। अब फील आया जो मैं कह रहा यस सर, हूं, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं ना। अरे हाँ, है ना। तो या तो ये केस बन जाए तो भी एक ही रूट आएगा, या ये केस बन जाए तो भी एक रूट आएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है।
देख लो कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बोलो तुरंत। अरे हाँ है ना, सारे ग्राफ के साथ एकदम प्रॉपर डिस्कशन था ये, यहीं तक हमने कल आपको छोड़ा था। बोलो, देख लो कोई डाउट, बोलो। डन है मामला? यस सर। यानी कि अगर एफएक्स के तीन रियल रूट है तो ये वाली कंडीशन लगानी है, और अगर एक रियल रूट है तो ये और ये दोनों कंडीशन लग सकती है। मेरी बात समझे कि नहीं? कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बोलो। है तीनों भाई, कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल है यार। पहला मेथड जो अभी हमने सीखा, अगर मैं आपसे fx की बात करूं तो वो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस ए। तो एफ डेज एक्स निकालोगे तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहां से आएगा थ्री इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। फील आया? यहाँ के हिसाब से देखोगे तो वन और माइनस वन पे मैक्सिमम इनमें आ जाएगा कि नहीं आ रही। यानी एफ डेज एक्स के दो रूट आ गए, वन और माइनस वन। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है थ्री डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, तो एफ डेज एक्स के तो दो रियल रूट हैं, बट एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन कैसा होना चाहिए? अपोजिट साइड। अगर ये अपोजिट साइड होगा तभी तीन रियल रूट होंगे। दिखा? नाउ व्हाट इज एफ ऑफ वन? वन माइनस थ्री प्लस ए। व्हाट इज एफ ऑफ माइनस वन? माइनस वन प्लस थ्री प्लस ए, ये लेस देन जीरो। यानी ए प्लस टू, ए माइनस टू लेस देन जीरो। यानी ए कहां से कहां होगा? माइनस टू से। माइनस टू से टू, अब इक्वेशन के तीन रियल रूट आएंगे। समझ में आ गया होगा सबको? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, यही तो थ्योरी पढ़ाई है मैंने। नहीं, सिर्फ एफ डेस एक्स के रूट हो जाना काफी नहीं है, उस रूट्स पर एफ एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अपोजिट साइन। क्योंकि अगर ये वैल्यू सेम साइन की हो गई, अगर ये वैल्यू सेम साइन की हो गई तो इस इक्वेशन के तीन नहीं एक रियल। मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब अगर हम ए की वैल्यू कहां से कहां ले लेते, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट, तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो इस इक्वेशन के तीन नहीं एक रूट आ जाए। ये तो आपने क्यूबिक से कर दिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते थे कि नहीं बताओ? हाँ, किया है। थ्री एक्स इक्वल टू माइनस ए बना लेते, एक ग्राफ आप इसका बना लेते, बोलो, और एक ग्राफ आप इसका बना लेते, दोनों कितनी जगह कट करने चाहिए थे? तीन। अच्छा, इसका ग्राफ हम हंसते खेलते बना लेंगे कि नहीं? यस। तो कहां से शुरू होगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, कहां कहां जीरो ले रहा है बोलो? एक्स इक्वल टू और प्लस माइनस प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। इनफाइनाइट कहीं जा नहीं रहा है? जा रहा है क्या? नहीं। अब जैसे आप इसका एफ डेस करोगे तो आ जाएगा थ्री थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये आ जाएगा। इसका मतलब थ्री इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये तो फील आ गया। माइनस वन प्लस वन प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे क्या ले रहा है? मैक्स। यहाँ पे क्या ले रहा है? मिन। रफली ग्राफ खिंच गया कि नहीं बताओ? अरे हाँ है ना। रूट थ्री पे जीरो पे जीरो, रूट थ्री पे जीरो। माइनस वन पे क्या ले रहा है? मैक्स। वो वैल्यू कितनी ले रहा है? टू। और वन पे क्या ले रहा है? मिन। वो वैल्यू कितनी ले रहा है? माइनस टू। तो इसका मतलब रफली अगर ग्राफ खींचोगे तो ये ऐसे जाएगा बढ़ते हुए, ऐसे आएगा घटते हुए, ऐसे चला जाएगा। कितने लोग ये बात फील कर पाए भाई? और ये वैल्यू आएगी टू, ये वैल्यू आएगी माइनस टू। अब आपने एक लाइन खींचनी है माइनस ए, तो माइनस ए की वैल्यू जब माइनस टू से टू के बीच में रहेगी तभी तो तीन रूट आएंगे। अरे हाँ है ना। फॉर थ्री रूट्स माइनस ए इज लाइज बिटवीन माइनस टू से टू, तो ए भी कहां से कहां लाइज करेगा? माइनस टू से। क्या था? अच्छा, एक रूट कब आएगा? जब माइनस टू से ऊपर रहोगे या टू से माइनस टू? कितने लोग ये सब समझ रहे हो यार? मैथड टू तो सोचो, इससे ये अप्रोच आसान है कि नहीं? यस सर।
एफ डैश एक्स के दो रूट देखने और दोनों पे वैल्यू निकाल के लेते हैं, जीरो कर देना। नहीं समझ रहे हो? डाउट हो तो बोलो। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि जो क्यूबिक इक्वेशन है एफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो हैविंग थ्री रियल रूट्स, मतलब अब इसके तीन रूट हैं। अरे हाँ है ना, बोलो बेटा। तो पहला यस सर, पहला केस थ्री पॉजिटिव रियल रूट, ठीक है ना, मतलब अब इसके तीन पॉजिटिव रियल रूट हैं वो कब होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो सोचो, तीन पॉजिटिव रियल रूट का मतलब अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो तीन पॉजिटिव रियल रूट की सिचुएशन ऐसी होगी कि नहीं? लो यस अगर ए नेगेटिव है तो तीन पॉजिटिव रियल रूट की सिचुएशन ऐसी होगी कि नहीं? अभी तो तीनों बोलो यस सर। इसका मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है, और अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव समझ गए कि नहीं? अच्छा, जो एफ डैश एक्स के रूट हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। यस इसका मतलब तीन पॉजिटिव रूट कब होंगे, जब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग टू पॉजिटिव रूट, अरे हाँ है ना, एंड क्या a इंटू एफ ऑफ जीरो का प्रोडक्ट अपोजिट साइड का होगा, बोलो भाई। तब हमेशा इसके तीन पॉजिटिव रूट आएंगे कि नहीं ये बताओ, कितने लोग ये बात समझे? a का मतलब पता है ना क्या है आपको? यस सर, कोफिशिएंट ऑफ इसमें। ध्यान रखिएगा ये बात, भूल जाते हैं अक्सर। अरे हाँ या ना, ये बात सबको फील आई, तीन पॉजिटिव रूट की कंडीशन। अच्छा ये तो फील है ना, एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक होगा, बेसिक्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के दो रूट कब पॉजिटिव होते हैं इसकी कंडीशन आपको पता है ना? यस मैं वो लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कंडीशन लगाने पर क्यूबिक के तीन रियल रूट आ जाएंगे, वो भी पॉजिटिव। ये बात कितने लोग समझ पाए? चलो समझ में आया ऐसा क्यों है, बोलो बेटा। ग्राफ से कनेक्ट हुआ होगा? नहीं, केस ऐसा हो सकता है कि दो पॉजिटिव रूट हो और एक कैसा हो, नेगेटिव रूट हो, बोलो भाई। सेकंड केस यही तो होगा, मतलब दो पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव। अब सोचो कैसे कैसे हो सकता है, अगर ए पॉजिटिव लेके चल रहा हो तो दो रूट पॉजिटिव चाहिए आपको, एक रूट कैसा चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं बताओ? अरे हाँ है ना, या ऐसा भी हो सकता है, बोलो। नहीं समझे, बोलो दिखा। अच्छा यस सर, नेगेटिव ले रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, मतलब अब ग्राफ यहां से आ रहा, बोलो भाई। या ऐसा भी हो सकता है, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं, अरे हाँ है ना। अच्छा यस सर, कंडीशन क्या, अगर ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो कैसा है, पॉजिटिव, तो एफ ऑफ जीरो कैसा है, पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ जीरो कैसा है, नेगेटिव। ए कैसा है, नेगेटिव। या तो दोनों रूट अल्फा और बीटा कैसे है, पॉजिटिव, या अल्फा नेगेटिव है और बीटा कैसा है, पॉजिटिव। या तो दोनों रूट एफ डैश एक्स के अल्फा और बीटा कैसे हैं, पॉजिटिव, या अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। इसका हम कह सकते हैं क्या कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, बोलो।
हैविंग एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, याद आया कि नहीं? और साथ में a इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है, बताओ? यस। कितने लोग ये कंडीशन समझ पाए भाई, बोलो? क्या ग्राफ देख के कंडीशन कनेक्ट हो रही है, बताओ? क्या ग्राफ देखकर ये कंडीशन कनेक्ट हो रही है? यस सर। यस। आगे बढ़े। सर नोट कर रहे हो क्या बेटा, फिर से बोलो क्या कह रहे हो? एटलीस्ट टू पॉजिटिव। क्या? एटलीस्ट टू पॉजिटिव। वो एफ डैश है। नहीं समझे क्या बोल रहे हो यार, पूछ क्या रहे हो? सर वो बोल रहा है एटलीस्ट टू पॉजिटिव। वन पॉजिटिव रूट एंड टू निगेटिव रूट, भाई तीन रूट तो रखने ही है ना। तो सोचो अगर हम ए को पॉजिटिव लेके चले तो क्या क्या हो सकता है। अब हमें एक पॉजिटिव रूट रखना है और दो निगेटिव रूट रखने हैं, तो इसका मतलब सिचुएशन ये हो सकती है। सोचो सॉरी बोलो, या सिचुएशन ये हो सकती है, कहां से जा रहा हूं यार, से ना, अरे हाँ है ना, अरे सेम ही होगी यार ये तो, ये हो सकती है। देखो अच्छा, ए को नेगेटिव रखो तो क्या सिचुएशन ये हो सकती है। हमें क्या करना है, दो निगेटिव रूट रखना है, बोलो? तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एफ डैश एक्स के रूट आ रहे हैं वो कैसे आ जाए, या तो दोनों रूट निगेटिव आए, या एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, या तो दोनों रूट निगेटिव आए, सॉरी, या तो एक निगेटिव आए और एक, तो दोनों रूट कैसे आए नेगेटिव, या एक नेगेटिव है और एक कैसा है पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव दिख नहीं रहा ना। अभी ठीक है? यस सर। अच्छा एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है उसका एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट होना चाहिए, बोलो? या तो दोनों नेगेटिव हो या एक नेगेटिव हो, यहाँ है ना? यस सर। ए और एफ ऑफ जीरो का प्रोडक्ट अपोजिट साइन, पॉजिटिव। अगर अपोजिट साइन बेटा, अगर ऐसा हो तो फिर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव बताएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, समझ गए होंगे ग्राफ से तो कनेक्ट कर ही, नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट केस तीनों रूट नेगेटिव हो गए, चौथा वाला केस क्या है, थ्री नेगेटिव ऊपर कर दीजिए, ऑल थ्री रूट, थ्री नेगेटिव रूट्स, मतलब ऑल थ्री रूट्स आर नेगेटिव। हाँ कोई कुछ कह रहा है, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। आप सोचो तीन रूट नेगेटिव कब होंगे, एफ ऑफ जीरो और बोलो। क्या सिचुएशन ये बनेगी, कब?
या सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी ऐसे दिख रहा है कि नहीं, ये तब होगा जब ए नेगेटिव। तो सोचो एफ ऑफ जीरो यहाँ क्या होगा, इसके दोनों रूट कैसे हैं, नेगेटिव। फील आ रहा है कि नहीं, हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग बोथ नेगेटिव रूट्स एंड ए इंटू एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, तब तीनों रूट क्या होंगे। कितने लोगों को सब समझ में आ गई सारी कंडीशन बताओ। तो क्यूबिक में अब सारा एनालिसिस खत्म भाई, या तो एक रूट होगा। अच्छा एक रूट की बात करेंगे अभी, एक रूट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा वो भी अभी डिस्कस कर दूंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं। तो अगर तीन रूट हैं तो कब है ये पता है, तीनों पॉजिटिव कब है ये भी पता हो गया, तीनों निगेटिव कब है ये भी पता हो गया, दो पॉजिटिव एक निगेटिव कब है ये भी पता हो गया, दो निगेटिव एक पॉजिटिव कब है ये भी पता हो गया। तो अब क्यूबिक पूरा एकदम तीन रूट के साथ एनालाइज हो गया। आया ना बोलो, डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं ना, नो सर। अच्छा वो पांच कंडीशन मैं लिख देता हूं, अगर मान लो एक सेकंड ऊपर कर दीजिए, वो जो क्वाड्रेटिक में कंडीशन होती है ना, दो पॉजिटिव रूट दो नेगेटिव रूट अपोजिट साइन रूट एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट, उसकी कंडीशन लिख देता हूँ, तो यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा। बार बार आपको क्वाड्रेटिक के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो कंडीशन भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, पहला केस एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग टू पॉजिटिव। अच्छा मैं इसको याद ऐसे रखवाता हूँ, दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब दोनों रूट जीरो से बड़े होने चाहिए, पहली चीज दो रूट होने चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव आना चाहिए और माइनस बी बाई टू ए पर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन उठा के लगा दीजिएगा, तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं है, यस सर। सेकेंड आओ, अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग टू निगेटिव रूट हो, वेरी गुड, तो बस दोनों रूट जीरो से छोटे हो जाने चाहिए, इसका मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ जीरो बी पॉजिटिव होना चाहिए, बट माइनस बी बाई टू ए इस बार जीरो से, ये कंडीशन उठा के लगा दीजिए, काम खत्म। अच्छा थर्ड केस सोचो, वही क्वाड्रेटिक एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैविंग क्या अपोजिट साइन रूट, मतलब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, तो इसका अंदर अब जीरो है वो दोनों रूट के बीच में कहीं होगा, आया ना, दो डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए और ए और एफ ऑफ जीरो का प्रोडक्ट इस बार क्या हो जाएगा, दिख गया। चौथा केस जो था उसमें था कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैविंग एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो कंडीशन क्या होगा, या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, बोथ रूट पॉजिटिव या वन पॉजिटिव बने, वन पॉजिटिव बने, अपोजिट इन साइन, बस एक जीरो भी हो सकता है। एक कंडीशन होती है वन रूट जीरो एंड अदर पॉजिटिव, यस, ये तो आपको पता है पहला वाला केस, ये आपको पता है तीसरा वाला केस। कंडीशन क्या होगी, अगर एक रूट जीरो होगा तो एफ ऑफ जीरो जीरो होगा, अच्छा दूसरा वाला रूट इसका मतलब सम ऑफ रूट जो है वो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली ना, अगर एक रूट जीरो और एक रूट पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव,
ना सबका यूनियन ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पाए? एकदम डायरेक्ट फीलिंग है, रट्टू पोपट वाला हिसाब किताब नहीं है, एकदम इधर दिमाग में सेट करना है, सब काम हो जाना है। पांचवा केस जो है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैविंग एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट। तो क्या करोगे बताओ? पता है सेकंड वाला केस। तीसरा हो गया रूट्स अपोजिट इन साइन, पता है तीसरा वाला केस। अरे हाँ है ना। और एक हो गया वन रूट एफ ऑफ जीरो जीरो या माइनस बी बाय लेस देन नेगेटिव, तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो जीरो हुआ और साथ में माइनस बी बाय ए इस बार लगा के फाइनल आंसर लिख दीजिए। इन पांच के अलावा और कोई केस आपने ऊपर यूज किया नहीं है? अरे हाँ है ना, तो बस सारा एकदम कनेक्ट हो जाना है। कितने लोगों को सब समझ में आ गया है? तो पॉजिटिव रियल रूट है तो क्या होगा, और जब यही रूट क्या होगा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बोलो भाई। अच्छा कॉमन सेंस, अगर ये रूट पॉजिटिव होगा तो अगर ए पॉजिटिव है तो क्या क्या हो सकता है? ऐसा मोनोटोनिकली तो यही हो सकता है ना। अच्छा, या मोनोटोनिकली ये हो सकता है, या मोनोटोनिकली ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो तो बताओ। इसका मतलब हर बार एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? अच्छा अगर सोचो ए नेगेटिव होता तो जस्ट अपोजिट चल रहा होता। बोलो, कंकेविटी पे मत जाइएगा। नहीं बोलो भाई, तो भी एफ ऑफ जीरो हर बार क्या था? इसका नाम कह सकते हैं कि वन पॉजिटिव रूट कब होगा, जब a इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा होगा, अपोजिट साइन। वन रूट की जो कंडीशन है वो तो लगा ही दोगे, और वन पॉजिटिव रूट कब होगा, जब a और एफ जीरो कैसा होगा, नेगेटिव। कितने लोग ये समझे भाई? नहीं समझे सर, a ग्रेटर देन जीरो में एफ जीरो लेस देन जीरो का ये नहीं समझ आया। एफ जीरो पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्या होगा, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो? लेस देन जीरो। समझ क्या रहे थे इसमें? नहीं, ऊपर ऊपर नहीं हो सकता थोड़ा ग्राफ, मतलब लेफ्ट साइड में। कहां पे बताओ, कहां ले लें? यहां पे थोड़ा थोड़ा ऑब्लिकली शिफ्ट कर दें। कहां शिफ्ट कर दें भाई, ये तो बताओ। यहीं पे। हां यहां जहां डॉट है। हां यहां पे। रूट पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव रूट। नेगेटिव, सॉरी। तो ये कैसा कैसे जी? पॉजिटिव। ये शिफ्ट नहीं कर सकते ना जनाब? यस सर, समझ समझ गया। हो गया, बताने की ज्यादा जरूरत होगी नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। बोलो। यस सर। और अगर इसी में होता वन नेगेटिव रियल रूट, बताओ। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये होता वन नेगेटिव रूट तो क्या कंडीशन आती, a इंटू एफ ऑफ जीरो सेम साइन का आया था कि नहीं आ जाता? और की जो कंडीशन लगती, कितने लोग ये बात समझ रहे हो कैसे आता ये? अगर आप a पॉजिटिव लेते तो तीन ग्राफ क्या दिखते आप? पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आप a नेगेटिव लेते तो तीन ग्राफ क्या दिखते?
पहला, दूसरा तीसरा, बोलो। तो हर बार एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आती, सेम साइन की आती, बोलो भाई, नहीं समझे वाले ग्राफ में पॉजिटिव रूट बनाया आपने, दूसरे लास्ट वाले में वो बना दिया पॉजिटिव नीचे आएगा ना ये, ठीक है ना। कितने लोग समझ रहे हो भाई, जिसका अंदर ए इंटू एफ ऑफ जीरो पास, इसके अलावा क्यूबिक में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन हो गया? yes. बोलो आगे बढ़े। हटाएं वन पॉजिटिव वाले ग्राफ दिखा दीजिए। रट्टू पोपट की तरह रटी है ना, नहीं मतलब अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हैविंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इसका सिंपल मतलब है कि एफ डैस एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये फील आया कि नहीं भाई? अगर उसके दो डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट नहीं होंगे तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा। बोलो। यस सर। यस सर। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। बोलो। यस सर। अगर ए नेगेटिव होगा तो पहले फिर मैक्स आएगा। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अरे हाँ है ना। अच्छा आप कॉमन सेंस, आपसे अगर ये बोल दूं मैं, मतलब ये फीलिंग वाली बात है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, मतलब ये एफ क्यूबिक है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स के दो रियल रूट हैं। अरे हाँ है ना। यस सर। क्लियर कर बात, ठीक है। अच्छा अब जैसे मैंने कहा पहला एक केस में बता रहा हूं, बाकी उसी के हिसाब से फील कर लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब जिस पॉइंट पे मिनिमा है वो नेगेटिव, तो क्या होगा बताओ? अगर अगर ए पॉजिटिव होगा तो जिस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है वो नेगेटिव है, तो मैक्सिमा वाला पॉइंट ये पॉइंट बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। अगर ये रूट पहले आए बाद में आएगा, अगर बाद में आने वाला रूट ही नेगेटिव हो गया तो पहले आने वाला रूट होगा कि नहीं? यस सर। मतलब अगर ये रूट नेगेटिव है तो ये रूट भी नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हम कहेंगे एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग टू नेगेटिव रूट, ये बात कितने लोग फील कर पाए भाई? अच्छा अगर सपोज ए नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसे बनता, तब जिस पॉइंट पे मिनिमा आता वो पॉइंट नेगेटिव होता, तो ये रूट नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग एटलीस्ट वन, कितने लोग सॉरी वन नेगेटिव रूट, कितने लोग फील कर पा रहे हैं? यस सर। बस दोनों कंडीशन लगा के यूनियन लगा दीजिए आंसर। कितने लोग समझे भाई कहानी क्या चल रही थी?
अब ऐसे बहुत सारे केस मैं लिख सकता हूँ, पॉजिटिव मिनिमा, निगेटिव मिनिमा, बोथ पॉजिटिव मिनिमा, ये सब चीजें पॉसिबल है। बस आपको ये समझना है कि अगर ए पॉजिटिव है तो पहले मैक्स फिर मिन आएगा, और अगर ए निगेटिव है तो पहले मिन और फिर मैक्स आएगा। जहां जो केस बनेगा वो उठा के लगा दीजिएगा, कोई टेंशन ही नहीं। इससे ये मैक्सिमम एनालिसिस है, इससे ज्यादा एनालाइज करके क्वेश्चन क्यूबिक में पूछा ही नहीं जाएगा, खत्म। क्यूबिक में इससे ज्यादा एनालिसिस नहीं हो सकता। छह पेज में मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया जितना क्यूबिक हो सकता है। बोलो, डन है? नहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी कर लोगे कि नहीं, काम बताओ। यस सर। और फील कर रहा हो तो बोलो, काम कर लोगे ऐसा मुझे लग रहा है, बोलो। चलिए डन, राय? यस सर। क्वेश्चन की ये अप्रोच होनी चाहिए कि अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो कोई दो एंगल इक्वल कर लो, मतलब बी इक्वल टू सी कर लो और ए डिस्टिंक्ट कर लो, तो ऐसे दो डिफरेंट सेट आने चाहिए, ऐसा कहा गया। तो आपको ये तो पता होता है ना कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई होता है, इसका मतलब ए प्लस टू सी जो है वो पाई होगा, है ना? तो टू सी इक्वल टू पाई माइनस ए होगा, तो हम कह सकते हैं टेन टू सी जो है वो माइनस टेन ए होगा। ये तो समझ में आ रहा है? अच्छा, ये आपको पता है कि टेन ए प्लस टू टेन सी हंड्रेड है, बोलो इसका अंतर 10a को 100 माइनस 2 10c बोल सकते हैं। अच्छा, 10 2c कितना है? माइनस 100 प्लस 2 10c, 10a की वैल्यू होती है। 10 2c खुद होगा 2 10c अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर c, ये आएगा माइनस 100 प्लस 2 10c, इसका मतलब माइनस 100 प्लस 2 10c प्लस 110 स्क्वायर सी माइनस 210 क्यूब सी, अरे सॉरी 210 क्यूब सी, अरे हाँ है ना, इज इक्वल टू 210 सी होगा। 210 सी से 210 सी खत्म, यहां से रिजल्ट आएगा 10 क्यूब सी माइनस 50 10 स्क्वायर सी और प्लस का 50 इक्वल टू जीरो, यहां तक पहुंच गया कि नहीं? अब ये 10 सी में क्यूबिक है कि नहीं बोलो। तो x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 50 इक्वल टू जीरो। अब अगर इस क्यूबिक के कितने सेम रूट हो जाए, हैं दो रूट है ना, थ्री रियल रूट है। इस क्यूबिक के कितने रियल रूट है? तीन। कैसे सोचो, अगर आप क्यूबिक fx मानो x क्यूब माइनस 100x स्क्वायर प्लस 50, व्हाट इज f' x, जल्दी बताते जाना, 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी 100x, यहां से x कॉमन करोगे 3x माइनस 100, इसके दो पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं, प्लस माइनस प्लस, यानी f डैश x के दो रूट आ रहे हैं कि नहीं बताओ। और अगर दोनों रूट पर fx की वैल्यू अपोजिट साइन की आ जाए तो तीन रियल रूट हो जाएंगे, वो भी डिस्टिंक्ट। अच्छा, f ऑफ जीरो तो 50 है ही, f ऑफ 100 बाई 3 कितना होगा? 100 का क्यूब बाई 27 माइनस 50 इंटू 100 स्क्वायर बाई 9 प्लस 50, यहां पे करो 27, यहां भी करो 27, यहां करो 3, यहां 150, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, दिखा? बोलो, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब f जीरो और f ऑफ 100 बाई 3 अपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के तीन रियल रूट आ गए। यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया, 10 क्यूब c आगे माइनस 50 10 स्क्वायर c प्लस 50 इक्वल टू जीरो हैविंग थ्री रियल रूट्स, ये दिखा? थोड़ा सा ऊपर कर दो, पहले बताओ ये दिखा कि नहीं आया ना अभी। अच्छा, अगर इसके तीन रियल रूट हैं और f ऑफ जीरो पॉजिटिव है तो ये तो फील है ना कि f ऑफ जीरो की वैल्यू पॉजिटिव है, बोलो। और रियल रूट है तीन, उसमें एक रूट जो है वो जीरो से 100 बाई 3 के बीच में है, तो इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी,
नहीं, ये समझे मैंने क्या बोला? ये भाई जीरो पे मैक्सिमा आएगा, 100 बाई 3 पे मिनिमा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, यस सर। होगा, और दो रूट कैसे होंगे? वन एंड टू पॉजिटिव, बस यही असली चीज थी इस पूरे क्वेश्चन की। अगर एक रूट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब 10 सी की वैल्यू नेगेटिव, मतलब सी ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलिस में नहीं होता। आइसोसेलिस में कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, वो भी इक्वल वाला। सोचो ना, अगर ये एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो 90 इंटू 90 180, तो दो ही एंगल हो गए ना। यस सर, यस सर। जबकि है क्या, सी कैन नॉट ऑब्ट्यूज क्योंकि ये इक्वल एंगल है। अरे हाँ है ना? यस सर, क्योंकि ये कैसा एंगल है? इक्वल एंगल। अब बाकी दो पॉजिटिव रूट हैं, इसका मतलब टेंसी हैविंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यू है कि नहीं है, बताओ। अब यस सर, दो ट्रायंगल आपके सामने ऐसे आ गए हैं जिसमें इसकी वैल्यू C1 C2 है और ये A1 है, इसकी वैल्यू C1 डैश C2 डैश है और ये A1 डैश है, दोनों नॉन सिमिलर हैं। यस सर, यस, दो ही नॉन सिमिलर हैं, एग्जैक्टली दो हैं। अरे yes. यही बात समझ में आया, क्यूबिक का रोल क्या था। क्यूबिक का रोल दिखा कि नहीं, बताओ। फोर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस पी, और हम कहें एफ ऑफ हाफ कितना आ रहा है, बताओ। देखो, और एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, बताओ। दिखा क्या ये माइनस वन माइनस पी आ रही है? आप बताओ, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ हाफ, ये लिखा हुआ है पी माइनस वन एंड पी प्लस वन, ये हमेशा लेस देन जीरो होगा इफ पी इज लाइज बिटवीन माइनस वन से वन। अरे हाँ या ना, पॉजिटिव कर दीजिए ना, पी प्लस वन। नहीं ठीक है, ठीक है, माइनस दोनों से कॉमन कर। P की वैल्यू माइनस वन से वन है कि नहीं ये बताओ। ये हमेशा निगेटिव होगा, और अगर ये निगेटिव होगा तो हम कह सकते हैं ना, वन यूनिक रूट कहां से कहां होगा, हाफ से वन। ये बात कितने लोग फील कर पाते हैं, समझ गए होंगे? अगर एफ ए अभी अपोजिट साइन के हैं तो एक रूट तो हाफ से वन होगा ही ना, नहीं होगा, बताओ। अरे हाँ है ना, Yes. अगर हमें उस रूट को आइडेंटिफाई करना है तो बताओ, तो 4x क्यूब माइनस 3x पी दिया हुआ है और पी की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच, इसको देख के क्या लगता है? अगर आप x को cos थीटा लो तो क्या ये cos 3 थीटा? cos 3, अरे हाँ ना, और पी की वैल्यू माइनस वन से वन है तो cos 3 थीटा माइनस वन से वन होगा ही, यहां से 3 थीटा cos इनवर्स पी होगा, वैल्यू cos इनवर्स p by 3 होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स cos, ये किसके बीच में है, आप सब 1/2, ये फील आ रहा है कि नहीं भाई? नहीं, why we are taking cos थीटा, ये समझ में आया होगा क्योंकि 4x cos थीटा cos 3 थीटा, इसीलिए x को cos थीटा लिया है। बोलो, नहीं समझे? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मतलब इधर तो फॉर्मूला बन गया जैसे cos का, और अगर ना बन रहा हो तो कैसे? नहीं नहीं, ऐसा सिचुएशन ही नहीं होगा कि ना बन रहा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ये रूट हाफ से वन ही होगा, ये बात फील की भाई? अगर पी की वैल्यू माइनस वन से वन है तो जो कॉस इनवर्स पी होगा बेटा वो कहां से कहां होगा,
होगा कॉस इनवर्स पी बाय थ्री होगा वो कहां से कहां होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स पी बाय थ्री होगा वो कहां से कहां होगा वन बाय टू सर ही होगा समझ में आया कि नहीं सारा क्वेश्चन एकदम एडजस्टेड फॉर्म में दिया है इधर उधर कहीं कुछ नहीं किया इसलिए बोलो मामला वो भी सेमी सर्कल वन ऑफ इट्स लेग है अलोंग द डायमीटर मतलब जहां 90 बन रहा है जिस लेग पे 90 लेग का मतलब ये होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये लेग्स होती है ये हाइपोटेन्यूस होता है तो जहां 90 एंगल बनता है उन्हें लेग कंसीडर करते हैं अब फील आ गया डायग्राम का यस सर यस सर लेग है वो इसके अलांग होती है मतलब ये हाइपोटेन्यूस इस पर नहीं आ सकता तो इसका मतलब यहां 90 होगा अच्छा अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करके यहां 90 बना लेंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस पे हाइपोटेनस आना नहीं है यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो समझ गए यस डन हो गया मतलब अब तो ज्यादा दिक्कत नहीं है बाकी तो क्वेश्चन का तरीका था इतना बड़ा 92 सर एक सेकंड 92 92 में बताना है देन नंबर ऑफ टाइम्स f डैश x चेंजेस इट्स साइन तो f डैश x निकाल लो क्या है 2x और 2 into x minus 2 दिख गया बोलो यस सर f डैश x अपना साइन कितनी बार चेंज कर रहा है जहां मैक्सिमम मिनिमम लेगा वहीं तो साइन चेंज करेगा तो 1 से पहले वो क्या है दो मैक्स माइनस क्या ऊपर माइनस ऊपर वाले में एक्स लेस देन माइनस अच्छा माइनस होना सर समझ गया सर लेस है तो क्या है पॉजिटिव है अरे बोलो सर अब कर लोगे हाँ सर ग्राफ बना लिया था मैंने बस वही समझ में लिया साइन ये चेंज हुआ माइनस वन पे प्लस माइनस दिखा यस प्लस टू माइनस और एक चेंज हुआ कहां पे जीरो पे माइनस टू प्लस जीरो पे कैसे हुआ टू एक्स और एक चेंज हुआ वन पे वन से पहले क्या है पॉजिटिव और वन के बाद क्या है नेगेटिव तो टोटल कितना तीन फ्लो में आदमी दो जीरो नहीं देख पाता है जीरो पे मिनिमम है ना आया ना अच्छा एक टू भी टू पे भी दो एक टू भी है चार आंसर है चार है एक टू भी है टू पे माइनस से प्लस होगा दिख गया बोलो अच्छा ये तो हुआ एफ डैश करके इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था सीधा एफ एक्स बोलो ग्राफ से करें सीधा एफएक्स देख लेते यार ज्यादा आसान था